नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 नौजवानों का साल है और हमारे आर्च बिशप सेबस्ट्रियन फ्रांसिस शॉ हमेशा नौजवानों से प्यार करते हैं और अप्रीशिएट करते हैं तो आज हमारे साथ चार बहनें जो एथलीट्स हैं और ये पूरे एशिया ने मान लिया है कि किसी एक गेम में चार बहनें जो हैं वो मौजूद हैं और हमारे लिए आज खुशी की बात है कि हमारे साथ ट्विंकल सुहेल मरियम सहेल सिबल सहेल वेरोनिका सहेल, सहेल यहाँ पे मौजूद हैं हमारे आर्ज भी आज इनको अप्रिशिएट करेंगे जी आज हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि आज इतवार है तेरह सितंबर है और हमारे अनारकली में हमारे एक भाई हैं ख़ानदान है सुहेल ये चार बच्चियाँ सुहेल की जिन्होंने पाकिस्तान में छोटे लेवल पर पहले वेट लिफ्टिंग में अपना नाम बनाया है सबसे पहले ट्विंकल ने फिर दूसरी बहनों ने भी और अभी करते करते ये एशिया में ये सारे मेडल आप देख रहे हैं इन्होंने जीते हैं और ये इंटरनेशनल मेडल हैं अब पूरी दुनिया ने इतराफ़ किया है कि ये एक वाहिद ख़ानदान है कि एक ही खानदान में चार बहनें और एक ही गेम में और हर दफ़ा ये मैदान जीत रही हैं तो आज आप सब हमारे लिए बड़ा फख्र हैं और मुल्क के लिए फख्र हैं मसीही कौम के लिए फख्र हैं और हमारी दुआ है कि खुदा आप लोगों को किसी तरह से ही और ज़्यादा बरकतें ताक करे सेहत बरकरार रखे ताकि आप इसी तरह से और ज़्यादा तरक्की करें मसीह का नाम रोशन करें तो जवानों हम आप पर फख्र करते रहेंगे दुनिया आप पर फख्र करेगी सबसे पहले हम ट्विंकल्स सहेल से पूछेंगे कि आज वो जब आर्च बिशप हाउस में हैं और हमारे आर्च बिशप सबसियन फ्रांसिस शॉक के साथ हैं तो वो कैसा महसूस करती हैं और अपने बारे में हमारे नौजवानों को क्या बताएंगी बहुत खुशी हुई है हम लोगों को कि बिशप सर ने हम लोगों को बुलाया और हम लोगों ने पूरी पाक नमाज की, की। था। था। hmm? है और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं अपने कैथलिक मिशन के कि वो हम लोग क्रिश्चियन यूथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और पहले भी करती आती है और इस दफ़ा जो हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दिया और हम लोगों ने स्वीट्स वगैरह भी लिए और हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं अपनी फैमिली के पाकिस्तान के और क्रिश्चन कम्यूनिटी के हम लोग उनके लिए खेलते हैं और ये पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं सिबल सहेल उनसे भी पूछेंगे कि वो आज कैसे खुशी का इजहार करेंगी और अपने बारे में बताएंगी। जी मेरा नाम सिबल सुहेल है मैंने बी एस स्पोर्ट्स साइंसिस फ़िज़िकल एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है और उसके साथ साथ मैं पिछले पाँच साल से नेशनल चैम्पियन हूँ फोर्टी सेवन कैटेगरी में मैंने उशीनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग जो कि सिंगापुर में हुई थी वहाँ से चार गोल्ड मेडल लेकर पाकिस्तान का नाम और अपनी क्रिश्चन कम्यूनिटी का नाम रोशन किया उसके बाद हम चारों बहनों ने पार्टिसिपेट किया एशियन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप जो कि दुबई में हुई थी उसमें हम चारों बहनों ने पार्टिसिपेट किया मेडल विन किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और मैं बेहद शुक्रगुजार गुज़ार हूँ बिशप साहब की कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया इनकी सारी इंतज़ामिया की कि उन्होंने हमें इतना प्यार और इतना अप्रिशिएट किया मरीम सुहेल उनसे भी जानेंगे कि वो आज कैसा महसूस करती हैं यहाँ पे और अपने बारे में क्या बताती मेरी तरफ से सबको सलाम और मेरा नाम मरीम सुहेल है और मैंने वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग में मेडल्स लिया हुए हैं, हैं और मैं दुबई में से दो में से ब्रॉन्ड मेडल लेके आई थी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बिशप साहब की कि उन्होंने यहाँ पे मैं बुलाया और इतना अप्रिशिएट दे रहे हैं उन सब के लिए और जितने लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उन सब के लिए शुक्र है वेरोनिका से भी जानेंगे कि वो अपने बारे में क्या बताती हैं और आज कैसा महसूस करें मसी में सबको मेरा सलाम मेरा नाम रे सुहेला और मैं फर्स्ट एड की स्टूडेंट हूँ मैंने का मैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टर और पावर लिफ्टर हूँ और जो एशियन साउथ एशियस गेम अभी हुई थी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है और उसमें भी काफ़ी पाकिस्तान का नाम रोशन किया और एशियन बेंच बैचमे चैम्पियनशिप जो दुबई में हुई थी जिसमें हम चारों बहनों ने मेडल्स लिए और हम चारों बहनों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ये आ, खुदावन के बाद हमारी क्रिश्चन कम्यूनिटी को बहुत फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हम क्रिश्चन हो हमने ये किया और इसके साथ साथ अपने वाले का बेहद शुक्र गुजार हैं और इसके साथ साथ मैंने नेशनल गेम्स जो हुई थी एबाबाद में उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया और तीन नेशनल रिकॉर्ड बनाया और आप बिशप सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और उनके सारे जितने भी कलीसिया के मेंबर्स वगैरह हैं उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट वगैरह किया और इसी तरह बिशप सर हमें बुलाते रहते हैं और हमें काफ़ी सपोर्ट वगैरह करते रहते हैं और हमें कहते रहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हो इसी तरह और करते रहो ये यूथ का साल है और मैं सोचता हूँ हमारे ये यंग बच्चे नौजवान जिन्होंने वाकई ही बेशक कोविड का मसला भी चल रहा है लेकिन इन्होंने पहली तो बात यह है आज तो खैर हम वैसे ही ऐसे ही खड़े हैं सारे लेकिन इन्होंने मुझे ये बताया कि इन्होंने थ्रू आउट जब से फरवरी के आखिर या मार्च में पाकिस्तान में जब से कोविड की बातचीत हुई है, केसेस आए ये अपना बहुत ख्याल रखते हैं बिला वजह घरों से नहीं निकलते इनको क्योंकि अपनी ख़ूबियों पर टैलेंट्स पर बड़ा फ़ख्र है फ़ख्र होना भी है और अपने आप को बचाना भी है इन्होंने अपने आप को बचाया भी है मास्क जरूर पहनते हैं अगर कहीं बाहर जाएं सैनिटाइज़र जब इधर आए हैं तो सैनिटाइज़र भी हमने देखा तो ये बड़ा ख्याल रखते हैं इसी तरह से मैं चाहूँगा कि जितने भी यूथ है हमारी ये नौजवानों के साल में अपनी और ख़ूबियों को परवान चढ़ाएँ और जिस तरह से मुकदस पॉलूस कहते हैं कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे अपनी जवानी को संभालें जवानी के ही जो टैलेंट्स हैं उनको ऊपर लाएं, उजागर करें चाहे वो तालीम के मैदान में हो, किसी टेक्नोलॉजी का मैदान हो ये स्पोर्ट्स का मैदान हो आ, कोई भी मैदान हो आप किसी दफ्तर में काम करते हैं वहाँ पर भी अपनी मेहनत के मैदान में अपनी ईमानदारी बैंकों में काम करते हैं ईमानदारी के साथ काम करें ताकि हम सब अपने मसीह होने का हमेशा नाम बुलंद रखें पाकिस्तान का नाम बुलंद रखें और खूसी तौर पर हम ये जाने कि हम मसीह हैं और हमने इसी तरह से ही मेहनत करते जाना है तो जवानों आप पर हमें बड़ा फ़ख्र है और पूरी दुनिया आप पर फख्र करती रहेगी खुदा आप सबको भी ऐसे ही होनहार और मजबूत नौजवान बच्चे बनाए मसीह खुदाबंद के वसीले से